मित्रेभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृपक्ष अर्थात कि श्राद्ध पक्ष के दौरान सुनी जाने वाली दो कथाएं। इन दोनों कथाओं का श्रवण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और जिन व्यक्तियों के ऊपर पितृदोष रहता है उन्हें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान इन कथाओं का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए हम भी इन कथाओं का श्रवण करके अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करें और अपने जीवन सुखी समृद्ध बनाएं। हमारे यहाँ दादी और नानियाँ कहती थी, जो व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण नहीं करता है उन्हें पितृपक्ष का पूर्ण पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इन कथाओं को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। एक बार की बात है, महाभारत काल का तब समय था। कर्ण की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची, तब सभी को खाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे व्यंजन दिए गए, लेकिन कर्ण को भोजन में सोना, चांदी, मनिया, रत्न इत्यादि दिए गए। कर्ण की आत्मा को तब कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। जब भोजन उसे प्राप्त नहीं हुआ, तब उसने देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, अन्य सभी को भोजन प्राप्त हुए हैं, परंतु उन्हें भोजन की जगह पर स्वर्ण, चांदी, आभूषण, रत्न और मनिया क्यों दी गई हैं? तब देवराज इंद्र ने कर्ण को समझाया, हे कर्ण, तुमने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत सारा दान दिया है। जीवन के रहते तुमने सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुत सारे माणिक्य दान किए, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के निमित्त तुमने अन्न और भोजन का दान नहीं किया। इसी कारण तुम्हें यहाँ भी वही प्राप्त हो रहा है जो तुमने दान किया था। तब कर्ण को सारी बातें समझ में आ गई। कर्ण ने तब देवराज इंद्र से कहा कि उन्हें इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि उनके पूर्वज कौन हैं, और इसी वजह से उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न और भोजन का दान नहीं किया। इन सभी बातों को सुनने के बाद देवराज इंद्र ने कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए मौका दिया और 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया, जहां कर्ण ने अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करके विशेषकर आहार, अन्न, भोजन इत्यादि का दान किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को हम सभी पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, अर्थात कि श्राद्ध पक्ष से। इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसे भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने जीवन काल में अन्न और भोजन का दान अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक काल की बात है, दो भाई रहते थे, एक का नाम जोगी और दूसरे का नाम भोगी। दोनों ही अलग अलग रहा करते थे। जहाँ जोगी धन धान्य से पूर्ण था, वहीं भोगी निर्धनता से पूर्ण। परंतु फिर भी दोनों भाइयों में परस्पर गाढ़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अत्यधिक अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल और निर्मल हृदय की थी। दोनों अपने जीवन से संतुष्ट होकर के जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे थे। पितृपक्ष आया। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ करके टालने की भरपूर चेष्टा करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ऐसा समझती थी कि यदि वह ऐसा कार्य नहीं करेगी तो लोगों के बीच उसकी छवि खराब हो जाएगी, लोग उसके लिए बातें बनाएंगे।
फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपने धन का शान दिखाने का यह सबसे उचित अवसर भी दिख रहा था। इसलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूँगी, जिससे हम दोनों सारा काम एक साथ मिलकर के निपट लेंगे। फिर उसने अपने पति जोगे को मायके में न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसकी बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही आकर के कार्य में जुट गई। अच्छे प्रकार से तरह तरह की रसोई उसने तैयार की। भोजन से खूब अच्छी सी खुशबू आ रही थी। झटपट रसोई के सभी कार्य को निपटा करके वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करना था। जब भोगे की पत्नी अपने घर की ओर आ रही थी, तब जोगे की पत्नी ने ना तो उसे रोका और ना ही टोका। शीघ्र ही दोपहर का समय हो गया। हमारे पूर्वज पितर भूमि पर आ उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ ही गए तो वहाँ देखते क्या है कि उनके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर टूट पड़े हैं। अतः निराश होकर के वे सभी भोगे के यहाँ आए। वहाँ वह देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर उन्हें अघियारी दी गई है। विवश होकर के पितरों ने उसी राख को चाटा और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे के सारे पितर इकट्ठा हो गए और सभी अपने यहाँ के श्राद्ध की बराई करने लगे। तब जोगे और भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। सोचने लगे, यदि भोगे सामर्थ्यवान होता, धनवान होता, तो शायद उन्हें आज भूखा न लौटना पड़ता। मगर भोगे के यहाँ घर में तो दो वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सोच करके पितरों को भोगे पर दया आ गई। इसलिए नाचते गाते वे सभी गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए और भोगे के घर धन हो जाए। संध्या होने को जब हुई, तब भोगे के बच्चों को तो खाने को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि खाना तो था ही नहीं। बच्चे माँ से कहने लगे, माँ भूख लगी है। तब भोगे की पत्नी ने डांटते डपटते हुए कहा, जाओ आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उससे जाकर के खोल लो और जो कुछ उसमें मिल जाए उसे ही बांट कर खा लेना। झटपट बच्चे दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। दौड़े दौड़े वे बच्चे माँ के पास पुनः आए और माँ से सारी बातें कह सुनाई। तब भोगे की पत्नी झटपटा करके आंगन में देखने लगी। जब देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थी। इस प्रकार से भोगे को भी बहुत सारा धन हो गया। मगर धन को पाकर भी भोगे का स्वभाव पूर्वत ही बना रहा। तनिक भी अभिमान उसे छू भी नहीं पाया। दूसरे साल पितृपक्ष का फिर से दिन आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के सुगंधित और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुला करके श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी फिर अच्छे से भोजन कराया। इससे पितर प्रसन्न हुए और तृप्त होकर के भोगे और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देने लगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमें पितृपक्ष के दौरान इन कथाओं को श्रवण करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, उनके निमित्त दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन सुखी समृद्ध होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा से भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। कल हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।